बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू, तेजस्वी ने बढ़ाई बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान में महागठबंधन को बढ़त, एनडीए पिछड़ी। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव पर वोटों की गिनती शुरू, 5 सीटों पर बीजेपी आगे। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान आज, रुझानों में 18 पर बीजेपी तो 8 सीटों पर कांग्रेस आगे। आज मणिपुर में 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर नहीं हुआ कम, AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। भ्रामक वीडियो ट्वीट करने पर कोलकाता पुलिस ने मधु पूर्णिमा किश्वर के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश में पटाखों पर नहीं लगेगा बैन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने हजरतगंज थाने पहुंचकर कोविड हेल्प डेस्क के साथ पिंक बूथ का निरीक्षण किया। प्रयागराज में 50 घंटे से टंकी पर चढ़े हरदोई के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा, NDRF सेना को भी बुलाया गया। फिरोजाबाद में ट्रेन में PPE किट पहनकर टिकट चेक करेंगे TTE। अनियंत्रित एम्बुलेंस ई रिक्शा से टकराई, ई रिक्शा सवार 2 महिलाएं हुई घायल। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव विद्युत सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी राय दी। जिस तरीके से बिहार चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं और महागठबंधन आगे है, तेजस्वी जी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? देखिए, इस सुशासन बाबू के कुशासन का अंत होने जा रहा है। जिस हिसाब से कोरोना में बिहारियों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, उन्हीं के नहीं पूरे देश में जिस प्रकार से गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है हमारा युवा वर्ग, आम जनता, वो एक गुस्सा था। बिहार ने तो सिर्फ अभी अंगड़ाई लिया है, इसके बाद पूरा देश जब उठ खड़ा होगा तो ये मोदी जी की और अमित शाह की जो जोड़ी है, इनको इस देश से छोड़कर अब भागना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है, ना कुछ करने का काम नहीं किया। जी, तेजस्वी जी ने अपने समर्थकों से और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो संयम रखें, किसी प्रकार का जुलूस न रहे, निकालें, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, क्या कारण? इसलिए कि 15 साल जो बिहार में अत्याचार अन्याय हुआ है वहाँ के लोगों के साथ, उनका गुस्सा जो जायज भी है, लेकिन वो गुस्सा तेजस्वी जी ने सोचा कि जो है इस तरह करने से फिर वही, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगल राज के युवराज, वो अब दामन पे दाग नहीं लेना चाहते, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, एक बेहतरीन सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। जी, 10 लाख नौकरियां का जो बात कही गई है तेजस्वी के द्वारा, तो इसको क्या लगता है, जल्द से जल्द लागू कर पाएगी? 100% वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं, अगर तेजस्वी जी ने ये कहा है तो करेंगे और करके दिखाएंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 19 लाख नौकरियां तो नहीं कहा, कहा रोजगार, उनका वही रोजगार था, पकौड़ा तलना, चाय बेचना, जो युवाओं के लिए कहा था, लेकिन हमारे तेजस्वी यादव जी यह करके दिखाएंगे और एक मिसाल इस देश में पेश करेंगे कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार की हार के लिए LJP ने किया हवन। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के कटपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive 24 News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।